चलो गाइस, 6 से 7 लाख रुपया फॉर अ फुल्ली रेस्टोर्ड बाइक। अगल भाई पीछे जा रहा है, आरडी आरडी। तो हम लोग यहाँ पे आके देखा तो गाड़ी में यो गाइस व्हाट्स अप, वी शूटिंग द आरडी टुडे। Out from the hibernation. What's up, brothers? After a long time. Hello. After a long time, after 10 minutes. Hello. We got the RD 350. तो भाई कैसा लग रहा है आपको इतना बरसों के बाद गाड़ी बाहर निकल के? बरसों तो परसों था। What? भाई का खुद के जोक के ऊपर ना निकल गया भाई खट्टू। वो भी बेचारी वैताग के बाजू में बैठ गई। थोड़ा सा एक्सप्लिसिट ना, वी कांट शो दैट। रख दो भाई वापस। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज स्पीडी लियो एंड वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग गाइस। वी हैव द चीकी बॉयज इन द हाउस। जबरदस्ती जिधर भी दिखे व्लॉग बना लेता भाई, पूछा नहीं कुछ नहीं। अबे कंसेंट तेरे को मांगे। अरे चल अच्छा बेटा, 2 किलो पेटा। सो गाइस ये है बाइक्स। अभी ज्यादा टाइम पास नहीं करते, जो करते अभी छोटू भाई के इधर लगाते करते। क्या करते? Vlogs and that's our है ना भाई, अपना इंटरनेशनल भाई। अरे भाई पूरा जेड का एग्जॉस्ट आता है इसके अंदर। अरे जेड का एग्जॉस्ट आरडी का ब्लॉक नहीं आएगा उसमें। अरे सब आ जाएगा। ओनली 20 किलो ऐसा है क्या? चलो ट्राई तो करते। ये अपनी राम प्यारी, इस पे से भाई टोचन मारने वाले। दैट कचरा ब्रो। GoPro लगाते फटाफट एंड लेट्स कीप इट मूविंग। चलो गाइस, कॉन्सर्ट कौन? भाई कॉन्सर्ट देता हूँ मैं एकदम। तो दे ही रहे तुम। We can't show that. How heavy is this bike? एयर में अपने बहुत जाने भाई। नहीं होएगा भाई इससे। ये तो घुमा के लेना पड़ेगा। पीछे साइड से ना। गाइस वजन इसका इतना है ना, ये जाएगा नहीं, ये चढ़ान पे चढ़ेगा नहीं ये। अरे गेंडी है भाई वो। थोड़ा ये ना मोशन में आ गया ना, थोड़ा फ्री हो जाएगा। मोशन में आ गया, मोशन में आने के बाद ना। गेम हो जाता अभी। धकल 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 भाई पीछे जा रहा है। बस अरे भाई गाड़ी पीछे चला गया। एक तो इसका आगे का ब्रेक नहीं लग रहा है, नॉनसेंस ब्रेक। और अपना मसल मेमोरी कैसा है, पहला आगे का ब्रेक दबता है। ये देखो एक पॉइंट पे गाड़ी बहुत फ्री जा रहा है और एक पॉइंट पे बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। चलो थोड़ा ऑलमोस्ट तो फ्री हो गया है। तो मैं 390 लेके दो लाएगा, लगा दो फिर जाओ। हे रुका इधर, सुनो ना एक काम करो ना, जरा वो इसके ऊपर बिस्किट मिलता है जरा चेक करो ना। क्या करने का? मामा को चाहिए। कौन सा वाला? चलो गाइस ये भी कर लेते हैं गुड डीड्स। ये दुकान किधर है यहाँ पे? हाँ भाई हालत ख़राब हो गया, हार्डली 100 मीटर भी नहीं होएगा भाई, हवा टाइट। दैट्स वाई आरडी इज़ आरडी। उसका वेट है बुलेट जैसा लेकिन पावर है पागल घोड़े जैसा। हाँ यहाँ पे है शिव कृपा ममसाला सेंटर। चलो गाइस वी आर बैक ऑन द सैडल।
बॉयज गॉट द 390 RX100 कैंसल। RX100 में उतना टॉर्क नहीं है क्योंकि एक तो मेरा अनस्लीव्ड सॉरी स्लीव्ड ब्लॉक है। आई विश्ड इट वॉज अनस्लीव्ड ब्लॉक बट नहीं। स्लीव ब्लॉक में क्या होता है ना, इनिशियल टॉर्क वैसा आता नहीं है जैसा आना चाहिए। अनस्लीव्ड में ऐसा होता है, आपको टॉर्क इनिशियली मिल जाता है। तो अभी ये जाएगा छोटू भाई के पास में, वहाँ पे फिर अभी देखते हैं क्या क्या काम है इसका। अभी तो ब्लॉक है ही नहीं इसके अंदर, तो भाई बोल रहे हैं ब्लॉक वगैरह का भी काम है। एंड देखते इंजन वगैरह वहाँ पे खुलेगा फिर उसके बाद में क्या स्टेटस है उसका, विल सी ओवर देयर। एंड है छोटू भाई रहेंगे, अपने मैक्सिल भाई रहेंगे बहुत टाइम के बाद में, वो भी आए चैनल पे। एंड RD आया है बहुत टाइम के बाद अपने चैनल पे, तो दिखाते आप लोगों को फुर्सत से। मतलब गाड़ी में ज़्यादातर कुछ चेंज हुआ नहीं है क्योंकि भाई साहब RD एक ऐसा हाथी है ना कि इसको चाहिए रहता है एकदम पैसा तोड़ फोड़ आपके जेब में। मतलब लिटरली पैसा एकदम मजबूत है तभी आप सोच सकते हैं भाई ये गाड़ी को बनाने का। एंड लिटरली अभी मार्केट चल रहा है गाइस, आई एम नॉट किडिंग, 6 से 7 लाख रुपया फॉर अ फुल्ली रेस्टोर्ड बाइक विद क्लीन पेपर्स। एंड ट्रस्ट मी इसका रेट और बढ़ने वाला है 10-20% ओवर द कमिंग ईयर्स। मतलब आने वाले एक साल में तो और 10% बढ़ जाएगा, फिर और 10% ऐसा बढ़ते रहेगा। मतलब इसका रेट तो कभी गिरेगा नहीं। क्या बोल रहा है? नो ब्रेक नवंबर। अबे ब्रेक लग ही नहीं रहा है। कौन सा ब्रेक? अभी इसमें भी आगे डबल डिस्क लगा हुआ है लेकिन कोई काम का नहीं अभी वो, क्योंकि ब्रेक ही नहीं लग रहा आगे का। क्या हो गया भाई इधर पीछे में, क्या भूल गया क्या? मर्किडीस। अरे 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 देखो देखो भैया, गाई गाई RD RX नहीं है। RX बोल रहा है। गाड़ी में अभी तक कितना खर्चा हो गया? 1.52। बात तो सही है। आप लोग अंदाज लगा ही सकते हैं कि RD में कितना खर्चा हो सकता है। भाई ने मेरे हिसाब से आगे का डिस्क एंड सिर्फ इसमें US spec के एग्जॉस्ट लगे हैं, दोनों में मेरे हिसाब से ना 80,000 प्लस चले गए हैं। एंड बाकी अभी तक गाड़ी रेडी भी नहीं है, तो आप लोग अंदाज लगा लो क्या लेवल का पैसा जाता है। जस्ट फॉर रेफरेंस मैं आप लोग को बता रहा है, सिर्फ एक RX-Z का पेट्रोल टैंक का प्राइस अभी जा रहा है 10,000 से 15,000 फॉर अ यूज टैंक, जिसको बाद में अपने को रिफर्बिश भी करना पड़ेगा, पेंट भी करना पड़ेगा। तो समझ आप लोग जेड में इतना खर्चा हो रहा है तो RD है भाई, है इसका तो हिसाब ही नहीं है कोई चीज़ का। सो या लेट्स सी, देखते क्या है। अगर आप लोग में किसी के पास अगर RX-Z का भी कोई स्पेयर्स वगैरह है और आप लोग मेरे को सोर्स कराना चाहते हैं या फिर देना चाहते हैं या फिर आपको बेचना है, जो भी है मेरे को एक बार कॉन्टैक्ट करिए। सो आई लेट यू नो। एंड वी आर हियर एट द गैराज। डोंट टच मी बाइक्स। वी आर एट द गैरेज। क्या क्या पीछे 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 नानो किधर? नाइस लेग पावर। सो गाइस ट्रांसपोर्ट मार दिया गाड़ी यहाँ पे एकदम मशक्कत के साथ, और अभी हम लोग यहाँ पे आके देखा तो गाड़ी में नो एयर प्रेशर। भाई ने जो गंदा वाला स्माइल मारा है ना, इसकी वजह से गाड़ी और स्लो स्लो। को कैसा मालूम मैंने? ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये SS वाला था या नॉर्मल वाला? यह है मुस्कान की चमकान। सो गाइस गाड़ी पहुंच गया है, ये है चीकी बॉयज, ये है अपने छोटू भाई जो करने वाले काम। छोटू भाई ने स्माइल दिया, मैंने गैरेज सीधा मुंह पे कर दिया बंद तुम्हारी। ये रेस्ट यू नो। ओके गाइस वी विल बी लीविंग नाउ, आई सी यू, बाय बाय गाइस, पीस बाय।